लेकिन अभी के लिए सिर्फ वेट कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे पहले इन दो प्लेयर्स की फाइटिंग दो टीम से हट जाना, एक्चुअली वही हेक्टर को भी फिनिशअप किया जाएगा एस आर के उस एक बढ़िया ग्रेनेड के साथ फाइट। एक्जैक्टली एक 4v4 फाइट देखने वाली, जो कि मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद देखने में। ज़ीगॉट वो यहाँ पे मिस्टर स्प्रे को टेकन करेंगे, युवा ओपनली आते हैं उनको भी यहाँ पे बियर्ड बाबा, ग्रेनेड तो इनके पास भी है, बिल्कुल नेट से डैमेज भी देंगे। इस पावर वहां पे नॉक कर जाते हैं, नहीं हो यहां पे डैमेज खा लेते हैं। जोनाथन के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती जरूर है, एक वन वी टीम शो दिखाना पड़ेगा उनको, देखना पड़ेगा जोनाथन हम कितनी तेजी से आगे आएंगे। बूस्ट अपने आप को करता है, यूजुअल स्टाइल है जोनाथन का, फाइट लेने से पहले हमेशा अपने आप को बूस्ट जरूर करता है ये प्लेयर। बट अब आई थिंक टीम वर्कआउट अटैक कर सकती है, देखना पड़ेगा कितनी जल्दी वो कितनी तेजी से अटैक करेंगे। पीएड बाबा को नॉक करा जाता है, मिस्टर स्प्रे भी यहां पे बैकफुट पर जाता है, एचपी काफी कम, पीछे जाना पड़ेगा अपने आप को, हील करना पड़ेगा। रिवाइवल यहां पे शुरू करते हुए और वर्कआउट अभी क्लियर स्टे करते हुए वापस पीछे चलेंगे, दो प्लेयर बचे सिर्फ। गॉडलाइक एक शानदार विनर चिकन डिनर के आगे बढ़ता हुआ, एक 2v4 सिचुएशन, टीम वर्कआउट नाउ ऑन द बैक फुट, मिस्टर स्प्रे को रिवाइवल यहां पे चाहिए। बट नियो अब आक्रमण पे उतर सकते हैं, अटैक मो कर जरूर सकते हैं और जाएंगे भी सही, बट युवा को पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। रिवाइवल यहां पे दिया जरूर जा रहा था, बट किरीटो नाउ ही हैज टू डू समथिंग, नियो को टेक डाउन करते हुए, बट द विनर चिकन डिनर जाता हुआ गॉडलाइक के खाते में। काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी गेम को निकाला है, सर्कल को कंट्रोल रखा है, जिस तरीके से यहाँ पे हर एक फाइट के अंदर जीतती गई है टीम।